मॉर्निंग फर्स्ट क्लास टुडे वी विल रीड इन साइंस बुक अपॉन दिस टुडे वी विल रीड चैप्टर 8 एयर अराउंड अस। एयर मीन होती है हवा, अराउंड मीन चारों ओर, अस मीन हमारे चारों ओर हवा। इसमें हम हवा के बारे में रीड करेंगे, समझेंगे। ओके स्टूडेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एयर अराउंड अस हमारे चारों ओर हवा, इसके बारे में रीड करेंगे। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग मीन जीवित चीज़ें, नीड एयर, तो जीवित चीज़ों को भी एयर की नीड होती है, ज़रूरत होती है। एयर कैन नॉट बी सीन, हवा को हम देख नहीं सकते। यूजेस ऑफ एयर, और हवा का यूज, इसका उपयोग, तो इसमें हम रीड करेंगे स्टार। वी आर सराउंडेड बाय एयर, सराउंडेड मीन होता है घिरे हुए, हम एयर से, एयर मीन होती है हवा। वी आर सराउंडेड बाय एयर, हम चारों ओर हवा से घिरे हुए हैं। एयर इज ऑल मीन सभी, अराउंड मीन होता है चारों ओर, अस, एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा हमें चारों ओर से घिरे हुए है, चारों तरफ है। इट हेल्प्स अस टू ब्रेथ, हेल्प मीन होती है मदद या सहायता, तो ये हमें किस में, ब्रेथ मीन होती है सांस, एंड रिमेन अलाइव, तो इट हेल्प अस टू ब्रेथ एंड रिमेन अलाइव, ये हवा हमें सांस लेने में मदद करती है। ओके, और हम जीवित भी जब ही रहते हैं जब हमें एयर मिलती है। नेक्स्ट, पीपल, पीपल मीन होते हैं लोग, एनिमल्स मीन जानवर, एंड प्लांट्स मीन पौधे, तो पीपल एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर, तो लोग जानवर और पौधे हवा के बिना नहीं रह सकते। आपको पता है हम हवा के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी, और सी मीन देखना, तो हम हवा को देख भी नहीं सकते हैं। ओके, बट वी कैन फील, फील मीन होता है महसूस, इट व्हेन इट मूव, जब ये चलती है तो हम इसे फील कर सकते हैं। व्हेन, व्हेन मीन जब, एयर मूव्स, मूव्स मीन चलना, जब हवा चलती है तो इट इज कॉल्ड वाइंड, तो ये पवन कहलाती है, जब हवा चलती है तो ये पवन कहलाती है। व्हेन वाइंड मूव्स वेरी फास्ट, जब तेज चलती है वाइंड, तो इट इज कॉल्ड स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन होती है तूफान या आंधी, जब ये हवा जो मूव होती है तो ये वाइंड पवन कहलाती है, जब पवन भी तेज चलता है, वाइंड तेज वेरी फास्ट होती है मूव, तो ये कहलाता है तूफान। नेक्स्ट, वार्म अप, कलर द थिंग विच नीड एयर टू लिव, इनमें से आपको वन पिक्चर में कलर करना है। ये पेट्रोल से चलती है कार, और ये जो बर्ड है इसे किसकी ज़रूरत होती है, एयर की, तो हम जो चीज़ एयर से लिव करती है, जीवित रहती है, उसमें हम कलर फिल करेंगे। नेक्स्ट, एयर कैन नॉट बी सीन, हवा को हम देख नहीं सकते, सभी बच्चे जानते हैं। वी कैन नॉट सी, सी का मीन होता है देखना, कैन नॉट मीन नहीं, वी कैन नॉट सी द एयर, हम हवा को नहीं देख सकते, बट लेकिन वी कैन फील, और हम इसे महसूस कर सकते हैं। इट प्रेजेंट्स, जब हम हवा को फील कर सकते हैं, इसकी उपस्थिति को, वी कैन फील इट, और हम कब फील करते हैं, इट व्हेन इट टचेस आवर बॉडी इन एन ओपन पार्क, जब हम खुले मैदान में जाते हैं तो ये हमारी बॉडी को टच करती है, छूती है, तो हम इसे फील कर सकते हैं। टेक ए बैलून, एक बैलून ले, एंड ब्लो, फूक मारें इन टू इट, इसके अंदर फूक मारें, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। एयर फिल्स अप द स्पेस इन साइड द बैलून, तो हम इस तरीके से जब बैलून में फूक मारेंगे तो ये इसके अंदर हवा चली जाती है, ठीक है। तो सी हाउ, और देखेंगे, इट बिकम्स बिगर एंड बिगर, और ये बड़ा होता जाता है, जब बैलून आपने सभी ने ब्लो किया हुआ है, फुलाया हुआ है, जब इसमें फूक मारते हैं तो ये बड़ा होता है और बड़ा होता है। सो वी कैन से, कह सकते हैं, दैट एयर इज देयर, कि हवा है, यहाँ हवा है। एयर हैज सम वे टू, एयर मीन हवा, सम मीन कुछ, मीन हवा का भी कुछ वजन होता है। टेक एन एम्प्टी, एम्प्टी मीन खाली, फुटबॉल एंड वेट इट, एक हम क्या लेंगे, फुटबॉल लेंगे खाली, ठीक है, और उसका वेट तोलेंगे इस तरीके से,
ये खाली फुटबॉल है, इसे तोला है इसने। फिल द सेम फुटबॉल विद एयर, और इसमें फिर से हवा भरेंगे तो इट इज हैवियर, तो ये कैसी हो जाएगी, भारी। देन द एम्प्टी फुटबॉल, खाली फुटबॉल की तुलना में ये इसमें वजन हो जाएगा, भारी हो जाएगी। तो दिस शो दैट एयर हैज वेट, तो इससे पता चलता है कि हवा में भी वजन होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, आपको फिल करना है। मूविंग ब्लैंक इज कॉल्ड वाइन, तो मूविंग जो होती है एयर होता है या वाटर, तो आप यहाँ फिल कर देंगे एयर, तो यहाँ एयर लिखेंगे। वी कैन एयर, तो हम हवा को फील करेंगे या सी करेंगे, हम फील कर सकते हैं इसे, तो एफ डबल ई एल इस तरीके से फील की स्पेलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ एयर, हवा का उपयोग। एयर इज वेरी यूजफुल, यूजफुल मीन होता है उपयोगी। इज आवर लाइफ, हवा हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। पीपल, पीपल मीन लोग। एनिमल्स मीन जानवर एंड प्लांट्स मीन पौधे। नीड मीन जरूरत। एयर टू ब्रेथ, हम सबको सांस लेने के लिए एयर की जरूरत होती है। एयर हेल्प्स बोथ टू सेल, और एयर मदद करता है सेल नर्व जो होती है उसको चलने के लिए भी एयर मदद करता है। इट हेल्प ग्लाइंडर टू मूव, और ग्लाइंडर को चलने में भी एयर ही मदद करता है, यहाँ देख सकते हैं। वाइन मूव्स द ब्लेड्स ऑफ ए विंडमिल, और जो पवन चक्की से पवन चक्की चलती है। एयर इज नीडेड फॉर लाइटिंग ए फायर, और आग जलाने के लिए, एंड टू कीप इट बर्निंग, आग जलाना और उसे और जलाने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। एयर कैन बी फील्ड, और हम हवा को किसमें फील कर सकते हैं, फुटबॉल इन टू फुटबॉल्स, सभी बच्चे जानते हैं फुटबॉल में भी हवा भरी जाती है। स्विमिंग ट्यूब्स, जो स्विमिंग पूल के अंदर ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हम हवा भरते हैं। एंड साइकिल टायर्स, और टायर जो साइकिल के टायर हैं उनमें भी एयर फिल की जाती है। तो ये आपको चैप्टर रीड करना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।